और लगातार अब खुलासों पर खुलासे हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि उस बाबा की। कहीं नहीं भागते, कहीं दिमाग नहीं दौड़ाते तुरंत कि भाई धन की जरूरत है, चलो हमारा खाता बैंक में है और खाते में से पैसा निकाल के लाते। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, फॉरेंसिक टीम पहुंची हाथरस, हाथरस घटना स्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड भी घटना स्थल पर मौजूद। तो घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है, डॉग स्क्वाड भी इस फॉरेंसिक टीम में मौजूद है। लगातार इस पूरे मामले की अब जांच तेजी से बढ़ रही है, आगे कमेटियां गठित कर दी गई हैं और अधिकारी नजर रख रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि फॉरेंसिक टीम भी यहां पहुंच चुकी है। और हाथरस की घटना के बाद से ही बाबा फरार है। पुलिस को मैनपुरी आश्रम में छापे होने की खबर मिली। मैनपुरी आश्रम के बाहर से टीवी 9 संवाददाता रजनीश रंजन की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। नारायण साकार हरि उर्फ सूरज पाल, जिसके सत्संग में आज हाथरस में 116 से ज्यादा लोग कुचलकर मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उस सूरज पाल का ये आश्रम है और बताया ये जा रहा है कि वो इस वक्त आश्रम में हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी देर से पुलिसकर्मियों की यहाँ पर तैनाती है। कुछ देर पहले यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं वो भीतर गए थे, बाहर आने पर मीडिया के लोगों से उन्होंने बात किया और उनकी ओर से कहा गया है कि बाबा इस वक्त आश्रम के भीतर नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले कुछ भक्त भी भीतर से बाहर आए थे और उनकी ओर से ये दावा किया गया है कि बाबा आश्रम के भीतर हैं। तो आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि बाबा आश्रम में हैं या कहीं और चले गए हैं। जो पुलिस के लोग हैं वो आश्रम के भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाथरस भगदड़ में मरने वालों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस अब तक सिर्फ 72 लोगों की शिनाख्त कर पाई है। प्रशासन मृतकों के परिवार वालों के संपर्क में है, बॉडी को पहचानने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक बचे हुए बाकी लोगों की भी पहचान की जा रही है। हाथरस जिला अस्पताल के सीएमओ ने कहा कि जिला अस्पताल में 32 शव पोस्टमार्टम के लिए आए थे, जिसमें 19 की पहचान हो चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिवार को सौंप दिया गया है। आगरा के 32 लोगों की डेड बॉडी की पहचान हो चुकी है। सभी शवों को डॉक्टर की टीम के साथ भेजा गया है। दो एसएसपी की निगरानी में शवों के पंचनामा के लिए 250 पुलिस वाले भी साथ में मौजूद हैं।